खूंटी विधानसभा क्षेत्र और तोरपा विधानसभा क्षेत्र के लिए रिजल्ट घोषित हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको लगातार बताया भी। अब मैं आपको फाइनली बता देता हूं कि किस प्रत्याशी ने कितने मतों के अंतराल से जीत हासिल की है। क्योंकि खूंटी विधानसभा क्षेत्र और तोरपा विधानसभा क्षेत्र, ये दो विधानसभा क्षेत्र है जो कि खूंटी जिले में आता है, और दोनों ही विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। हम पहले खूंटी विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, जहाँ से लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं 25 सालों से। तो उसे कितने मतों से जेएमएम के कैंडिडेट ने मात दिया है। हम बात करते हैं रामसूर्या मुंडा, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से खूंटी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थे और उन्होंने जीत हासिल की है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नीलकंठ सिंह मुंडा को 41,617 वोटों से पराजित किया है। वहीं अगर तोरपा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार सुदीप गुड़िया ने भारतीय जनता पार्टी के कोचे मुंडा को 40,647 वोटों से हराया है। हम आपको बता देते हैं कि किसे कितना वोट मिला था। कुल बात करें तो सुदीप गुड़िया को 80,887 वोट मिला था तोरपा विधानसभा क्षेत्र के लिए, जबकि कोचे मुंडा को 40,240 वोट प्राप्त हुए थे। वहीं खूंटी की बात करें तो खूंटी से रामसूर्या मुंडा को 90,498 वोट मिले थे, जबकि नीलकंठ सिंह मुंडा को 48,881 वोट प्राप्त हुए थे। तो और इस तरह से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के दोनों ही उम्मीदवारों ने खूंटी विधानसभा क्षेत्र के लिए और तोरपा विधानसभा क्षेत्र के लिए जीत हासिल की है। इससे पहले दोनों ही उम्मीदवार रामसूर्या मुंडा और सुदीप गुड़िया को चुनाव आयोग द्वारा विधिवत जो है, जिस जरूरी कागजात पे साइन कराना था वो साइन कराया, सर्टिफिकेट दिया, और दोनों के साथ सामूहिक रूप से फोटोग्राफ भी हुआ। उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके चाहने वालों ने फोटोग्राफ कराया। इस तरह से दोनों को विधिवत जो है सर्टिफिकेट दे दिया गया है। जीत दोनों की हो गई है और अब राज्य में सरकार बनाने की उथल पुथल है। फिलहाल हम नीचे चौक यानी भगत सिंह चौक में हैं। यहाँ से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके सहयोगियों के समर्थक लगातार बम पटाखे जला रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।